हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा एक्टर या फिर एक्ट्रेस होगी जो सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करने से मना कर दे। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सलमान के साथ कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपना नाता तोड़ दिया, और ये लिस्ट देखकर आप भी काफी हैरान रह जाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है बॉलीवुड एक्ट्रेस आसिन का। एक्ट्रेस आसिन पहली बार सलमान खान के साथ उनकी फिल्म लंदन ड्रीम्स में नजर आई थी। इस फिल्म में अजय देवगन भी लीड रोल में दिखाई दिए थे। इसके बाद आसिन और सलमान खान की जोड़ी को फिल्म रेडी में देखा गया। आयशा टाकिया और सलमान खान की जोड़ी को फिल्म वॉन्टेड में देखा गया। इसके बाद ये जोड़ी कभी भी एक साथ पर्दे पर नहीं दिखाई दी। भाग्यश्री ने भी सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। भूमिका चावला और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम को भला कोई कैसे भूल सकता है। इस फिल्म की सक्सेस के बाद कभी ये जोड़ी बड़े पर्दे पर एक साथ नहीं लौटी। डेजी शाह ने सलमान खान के साथ फिल्म जय हो में एक्टिंग की थी। इस फिल्म के बाद उन्हें एक साथ रेस 3 में सलमान खान के साथ देखा गया था। स्नेहा उलाल ने भी सलमान खान की फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद सलमान और स्नेहा को एक साथ कभी नहीं देखा गया। सोमी अली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोमी अली और सलमान खान के बीच काफी लंबे समय तक अफेयर रहा था। एक इंटरव्यू के दौरान सोमी अली ने खुद ही बताया था कि सलमान खान ने उन्हें धोखा दिया था। सोमी अली ने कई फिल्मों में काम करने के बाद बॉलीवुड की दुनिया से ब्रेक ले लिया। जरीन खान। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने सलमान खान की फिल्म वीर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद उन्हें कभी सलमान खान के साथ एक्टिंग करते हुए नहीं देखा गया। चांदनी। सलमान खान और चांदनी को फिल्म सनम बेवफा में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म में इनकी जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया, हालांकि इसके बाद सलमान और चांदनी ने कभी एक साथ काम नहीं किया। वेल, तो ये थी ऐसी एक्ट्रेसेस की लिस्ट जिन्होंने सलमान खान के साथ फिल्में तो की और ये फिल्में हिट भी रहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में सलमान के साथ कभी दोबारा काम नहीं किया। कैसी लगी आपको हमारी ये लिस्ट, कमेंट्स के जरिए हमें बताना मत भूलिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।